हेलो नमस्कार, आप सभी का दिल से मैं स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैं 3 दिन पहले मैं मेरे घर से जयपुर जा रहा था और जिस बस में मैं चढ़ा बैठने के लिए, मैंने टिकट लिया, टिकट मुझे मिला। फिर मैंने पीछे चारों तरफ घूम करके देखा, सब लोग उस गाड़ी में बैठे हुए थे, एक भी सीट खाली नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैं अकेला उस गाड़ी में खड़ा हुआ था। तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक चीज आई कि क्या वास्तव में मेरी किस्मत खराब है कि मुझे उस गाड़ी में सिर्फ मुझे अकेले को ही उसमें बैठने को जगह नहीं मिली। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि सिर्फ मुझे सीट नहीं मिली और इन सबको सीट मिल गई। तो वहां पे अगर मैं नकारात्मक सोचता तो मेरे पास एक बहुत बड़ी वजह थी कि कहीं ना कहीं मेरा भाग्य खराब है। अब हो सकती बात अब छोटी समझ रहे, भाई सीट नहीं मिली तो नहीं मिली, लेकिन हम इसको पॉइंट को समझो, लाइफ का हर पहलू इससे अटैच होगा, रिलेट करना, आपको इससे बहुत सारी चीज़ समझने को मिलेगी। भाई हमारे साथ ये दिक्कत क्यों होती है? जब मैंने सोचा भाई यार मुझे अगर सीट नहीं मिली तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खड़ा खड़ा मेरे घर से, सॉरी माफ चाहूँगा, मैं मेरे स्टैंड से मैं मेरे ऑफिस जा सकता हूँ। लाइक भी मैं इतना कैपेबल हूँ कि ईश्वर ने बोला कि बेटा आप इस चीज़ को झेल सकते हैं और किसी में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मतलब वो क्या थी, मेरी एक राइट थिंकिंग कि मैं खड़ा खड़ा बस में मैं मेरे ऑफिस पहुंच सकता हूं। वो मेरा था पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग। और नकारात्मक सोच में बहुत सारी चीज़ सोच सकता था कि किसी को दिमाग में ये नहीं आ रहा है मुझे जगह नहीं दे सक, मतलब किसी के ही दिमाग में नहीं आ रही भाई कोई मुझे जगह दे दे, कितने बेवकूफ़ आदमी इस गाड़ी में भरे हुए हैं, या भगवान ने मेरी किस्मत में कोई गलत चीज़ लिखी है, इसलिए मैंने कभी किसी को सीट नहीं दी। ये हम एक्सक्यूज करते हैं जबकि हम उसका सकारात्मक रवैया नहीं देखते। भाई मैं इतना लायक हूँ कि भगवान ने मुझे ये चीज़ दी है कि बेटा आप इस चीज़ को झेल सकते हैं। और लाइफ में अगर कुछ समस्याएं हैं तो मतलब वो इसलिए है कि आप इस चीज़ को झेल सकते हो, आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, आप इस चीज़ में इतने माहिर हो कि आप और लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो, या उन्हें गाइडेंस दे करके अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया उससे लोगों की ऑलमोस्ट लाइफ में कुछ अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। तो मैं मेरा आज का ये जो मोटिवेशन जो सेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और देखना बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको इसमें समझने को मिलेगी। ये दुनिया के शायद मैं जितना इनको समझ पाया हूँ और जितना शायद मैं इनको डीपली मैं स्टडी कर पाया हूँ, इस दुनिया में इनसे बेहतर कोई नहीं है। वो क्यों? कि शायद इनको कुछ ऐसा पता है जिसकी वजह से वो यहाँ से यहाँ पहुँच गए, लेकिन हम एटलीस्ट साल इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये बंदा जिसका आधा शरीर पूरा लकवा मार गया उसके बावजूद भी अपने आप की जिद को कायम रखा कि मुझे कुछ बेहतर करना है। शेर जब शिकार करने के लिए जंगल की ओर जाता है तो उसके हमेशा दिमाग में एक एटीट्यूड रहता है कि मुझे खाना है। जब हिरण भागता है या फिर जब एलिफेंट भागता है तो वो किस स्टैंड पॉइंट से भागता है? सिर्फ बचने के लिए, सिर्फ बचने के लिए। तो शेर किस स्टैंड पॉइंट से सोचता है कि मुझे खाना है, दिस इज माई लंच। और जो एलिफेंट है या जो अदर एनिमल्स हैं वो जब भागते हैं तो बचाव में भागते हैं, लाइक भी डिफेंस करने में भागते हैं, लेकिन ये भागता है हमेशा अटैकिंग मोड में। तो इन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया, इन्होंने सबसे पहले खुद को बेहतर बनाया, फिर दुनिया को बदलने के लिए अपने आप को झोंक दिया इस तपस्या में। तो अगर इनके पास समस्याएं नहीं थी तो क्या ये आज ये बन जाते? तो समस्याएं आई थी। तो सब कुछ होने में हमारी लाइफ नहीं है, कुछ नहीं होने में लाइफ है। हो सकता है बात आपको थोड़ा सा फेक लगे, मेरी बात को समझो, राइट हैंड की वैल्यू आपको हमें नहीं पता, लेकिन जब राइट हैंड होगा नहीं ना उसे एग्जैक्टली इसकी वैल्यू का मालूम होगा। सही स्वास्थ्य सबके पास है, जिसके पास है उसे उस चीज की कीमत का एहसास नहीं है, लेकिन जिसके पास है ही नहीं उसको इस कीमत का एहसास है कि अच्छा स्वास्थ्य वास्तव में क्या है। लाइफ में सब कुछ है, कभी कुछ यूनिक नहीं करेंगे, लेकिन लाइफ में अगर कुछ नहीं है, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, तब वास्तव में कुछ करने की इच्छा पनप पाएगी हमारे अंदर। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा और हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूं, हमेशा माइंड में एक राइट अफर्मेशन रखें कि मैं भाग्यशाली हूं, मैं सौभाग्य वाला हूं कि मुझे एटलीस्ट ऐसी प्रॉब्लम मिली। आप अपने आप को ठीक करो
और फिर इस चीज को ठीक करके आप दुनिया को बदलने की शुरुआत करो। मुझे हमेशा एक दिमाग में एक चीज रहती थी कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सही मकसद के लिए हुई है, इसलिए मैं कुछ ऐसा करूंगा आने वाले समय में कि मैं दुनिया की लगभग जितनी परसेंट पॉसिबिलिटी होगी पॉपुलेशन में उतना मैं इस प्रॉब्लम को लोगों से दूर करने का प्रयास करूंगा। मैं उन लोगों को वो नॉलेज दे पाऊंगा, वो चीज़ें समझा पाऊंगा जो चीज़ मैंने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से गेन करी। एक है आप 5,000 रुपये 10,000 रुपये 20,000 रुपये देकर कहीं से डिग्री परचेज कर लो, और एक है आप लाइफ को समझो और लाइफ के हर एक पहलू से सीख करके फिर बाहर निकलते हैं। तो लाइफ के जब आप पहलू से सीख करके बाहर निकलेंगे तो आप अपने आप एक मास्टर है, एक फील्ड में मास्टर हैं। तो अगर मैं IBS को क्योर कर पाया तो मतलब मैं इस चीज़ का मास्टर हूँ। अगर ये बंदा अपने 99% जो लकवा था इनको आधे बॉडी में, उसको इन्होंने क्लियर किया सिर्फ योग के दम पे, सिर्फ योग के दम पे, तो मतलब ये मास्टर है योगा में। ऐसा ही लाइफ का आप पर्पस क्लियर कर लो कि एटलीस्ट आपको करना क्या है। जब आपका पर्पस क्लियर होगा सब चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी, बट उसके लिए आपका राइट डायरेक्शन में सोचना बहुत जरूरी है। देखो जिंदगी में बिना समस्याएं कभी कोई अचीवमेंट हासिल नहीं करी जा सकती। समस्या आना जरूरी इसलिए हो जाता है कि अगर आपके पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो सुबह उठकर के आप भागेंगे काम करने के लिए, लेकिन अगर रोटी की व्यवस्था कर दी गई है तो आप कभी बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपके पास बाइक नहीं है पर्सनल, तो आप बाइक खुद की परचेज करने के लिए ऑलमोस्ट उतनी मेहनत करना शुरू करेंगे कि शायद मैं एक बाइक को अफोर्ड कर पाऊँ। अगर आपका ड्रीम बड़ा है, आपके पास 4-व्हीलर नहीं है, तो फिर आप भागेंगे। भागने से मेरा मतलब है फिर आपके माइंड में विचार आएंगे, थॉट्स आएंगे कि एटलीस्ट मैं क्या कर सकता हूं। तो समझो चीज होने में सुकून नहीं है, नहीं होने में अपने आप को निखारने का टैलेंट हम लाते हैं। अगर मैं शायद सर्व संपन्न होता तो शायद मैं आज आप लोग ये चीज नहीं सिखा पाता, और शायद मेरे साथ ये घटना नहीं घटती तो शायद मैं आपको एक प्रॉपर गाइडेंस फॉलो नहीं करवा पाता। क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आई, भाई मेरे साथ ये चीज क्यों हुई, क्योंकि मैं इस चीज़ को झेल सकता हूँ, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ, और मैं लोगों को इस चीज़ से बाहर निकालने की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो मतलब मैं उस चीज़ के लिए एक वैल्यूएबल पर्सन बना। मैं आग में तपा, मैं लगभग 6 साल से इस प्रॉब्लम से गुजरा, तो मुझे मालूम भाई एटलीस्ट इस वाली प्रॉब्लम से हम बाहर कैसे निकल पाएंगे। तो मतलब सब कुछ सीख लिया, अब उस चीज़ को मुझे एक्सप्लोर करना है, लोगों को समझाना है कि हम इस चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, अगर आपके किए गए काम से किसी का कुछ अच्छा होता है तो जिंदगी में हमेशा उस काम का चुनाव करना। जिंदगी में जिस भी काम को आप चुनो उसको पूरे डेडिकेशन से करो, भले उसमें पैसा आए या नहीं आए कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए, बट ये चॉइस आपकी है, चुनना आपको पड़ेगा कि आप क्या चुनते हैं। तो लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखो, सकारात्मक सोच हमेशा रखो, जिंदगी में हर चीज आसान होती हुई जाएगी। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।